वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी का एक और नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है एंडोक्राइनोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा। इसकी सिनॉप्सिस देखते हैं, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरिनिक विली। फर्स्ट इसमें डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा, सेकेंड में टेलोडेनरी डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा, नॉन्ड डेसीडुलेट प्लेसेंटा, जोनरी, स्कोइडल, मेटा डिस्कोइडल, फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, टाइप ऑफ एंडोक्राइनो ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जो कि एम्ब्रियोनिक है, यूटेनाइन टिश्यू के द्वारा बनता है। यह डबल वास्कुलर स्पॉन्जी आंशिक रूप से मेटेरियल एंड आंशिक रूप से एम्ब्रियोनिक ऑर्गन है। इसके द्वारा फीमेल का ब्लड एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। प्लेसेंटा फीमेल एम्ब्रियोनिक टिश्यू के इंटरलॉकिंग के द्वारा बनता है। प्लेसेंटा का एम्ब्रियोनिक पार्ट फ्यूटल प्लेसेंटा यूटेनाइन टिश्यू द्वारा निर्मित मटेरियल प्लेसेंटा कहलाता है। इसकी डेफिनेशन, एम्ब्रियोनिक एंड यूटेनाइन टिश्यू के मध्य एक संबंध जो कि पदार्थों का फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज करता है। प्लेसेंटा का डायग्राम है। थर्ड टॉपिक है इसमें टाइप ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरिनिक विली। प्लेसेंटा पोल को छोड़कर क्लोरीन की संपूर्ण सतह पर विली डिस्ट्रीब्यूट रहती है। इस प्रकार का प्लेसेंटा हॉर्स पीक लेन्यूर इटीसी में पाया जाता है और यह डिफ्यूज प्लेसेंटा का डायग्राम है। केटिलिडोनरी इस प्रकार के प्लेसेंटा में विली पृथक पृथक ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट रहती है। इस ग्रुप को क्लेटिडियन क्राइप्स ग्रुप होते हैं, इसको कैन्यूलर चाहते हैं, क्लेटिडियंस स्थित होते हैं। एग्जाम्पल है केटल्स, डियर, शिप। इसमें डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, मेमल एनिमल में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल के यूट्रस में होता है। न्यूट्रिशन एंड अदर वर्क हेतु फीमेल एंड एम्ब्रियो के बीच में एक फिजियोलॉजिकल संयोजन स्थापित होता है। एम्ब्रियो के एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म पर सबसे पहले ट्रोफोब्लास्टिक विली बनती है। कुछ समय पश्चात ट्रोफोब्लास्टिक एक्टोडर्म एंड सोमेटिक मेसोडर्म द्वारा सेकेंडरी क्लोरिनिक विली निर्मित करती है। यह विली साइनोटो ट्रोफोप्लास्ट निर्मित करती है। प्लेसेंटा में एम्ब्रियोनिक एंड मैटरनल टिश्यू पाए जाते हैं। फिर इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से किया गया है। फर्स्ट है इसे नॉन डेसीडुलेट प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा में क्लोरियन विली एंडोमेट्रियम की बाहरी सरफेस से जुड़ी होती है, अतः पार्टीशन के समय आसानी से एंडोमेट्रियम से अलग हो जाती है। एग्जाम्पल है पीग, हॉर्स, काउ इटीसी। काउ में क्लेटिडोन प्लेसेंटा का डायग्राम है। डोनरी जब विली एम्ब्रियो के निवेदित क्षेत्र में बेंड तथा गर्डल तथा लिमिटेड रहते हैं तो इस प्रकार का प्लेसेंटा कार्निवोरस जैसे डॉग, लायन, कैट इत्यादि में पाया जाता है। प्लेसेंटा डॉग का डायग्राम है। डिस्कोइडल इस प्रकार के प्लेसेंटा में विली डिस्क या साइकिल के रूप में एम्ब्रियो की सरफेस पर पाई जाती है। इस प्रकार के प्लेसेंटा या दो डिस्क के रूप में विली अरेंज होती है और यह इसका डायग्राम है। इसमें मेटाडिस्टल है, प्रारंभिक रूप से विली क्लोरिन की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट रहती है परंतु बाद में एम्ब्रियो के वेंट्रल एवं एक स्मॉल चक्राकार क्षेत्र पर सीमित हो जाती है और ये इसका डायग्राम है। सिक्स में इसमें फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा, सभी प्रकार के प्लेसेंटा हिस्टोलॉजिकल प्लेसेंटा में प्लेसेंटा बैरियर पाए जाते हैं जिसमें 2-6 टाइप के टिश्यू होते हैं। प्लेसेंटल बैरियर के कारण ब्लड फीमेल के ब्लड से काफ़ी मिश्रित नहीं होता है। फिजियोलॉजी दृष्टि से प्लेसेंटल बैरियर एक अल्ट्रा फाइबर और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के समान वर्क करती है। इस कारण प्लेसेंटा के द्वारा स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं लेकिन लार्ज साइज के मॉलिक्यूल डिफ्यूज नहीं होते हैं। अतः वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोल्यूबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिफ्यूज मेथड के द्वारा गुजरते हैं। रीनर साइटोसिस मेथड द्वारा ट्रोफोब्लास्ट सेल प्रोटीन लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड को एब्जॉर्व करती है। फीमेल के ब्लड में जो एंटीबॉडीज निर्मित होते हैं वह कुछ डिजीज, डिफेनिया, स्मॉल पॉक्स मसल्स के लिए इम्यूनिटी ग्रहण करता है। ये एम्ब्रियो के में चलती जाती है और प्रारंभिक स्टेज में जन्म के पश्चात रेस्टिंग इम्यूनिटी को ग्रहण करते हैं और अन्य रोगों से बचे रहते हैं। प्लेसेंटा द्वारा अनेक सरफेस को संग्रहित किया जाता है, फैट, ग्लाइकोन, आयरन, जो कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं।
फिर इसमें फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के वर्क निम्न है, फर्स्ट न्यूट्रिशन, ब्लड वेसल्स द्वारा न्यूट्रिशन मटेरियल एम्ब्रियो के ब्लड में पहुंचते हैं, इसमें रेस्पिरेशन, प्लांट एम्ब्रियो एंड फीमेल के बीच ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्पर होते हैं, ऑक्सीजन फीमेल के ब्लड से एम्ब्रियो के ब्लड में डिफ्यूज होती है, इसी प्रकार एम्ब्रियो के ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिफ्यूज होती है, एक्सक्रिएशन मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल उत्पन्न होते हैं एम्ब्रियो से मैटरनल ब्लड वेसल्स की सेल में डिफ्यूजन द्वारा इसे ट्रोफोप्लास्टिक विली द्वारा एंटर करते हैं, इम्यूनिटी, प्लेसेंटा द्वारा एम्ब्रियो के सॉफ्ट टिश्यू का प्रोटेक्शन होता है एवं फीमेल के ब्लड में एंटीबॉडी डेवलप्ड होती है जो कि एम्ब्रियो को अनेक रोगों से संरक्षण प्रदान करती है। टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारे बॉडी में थ्री टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि विभिन्न प्रकार के सिक्रेशन के द्वारा बॉडी को विभिन्न क्रियाओं का कंट्रोल करते हैं। एस्क्लोरीन ग्लैंड, ये ग्लैंड जो अपने सिक्रेशन को ट्यूब्स के द्वारा संबंधित ऑर्गन तक पहुँचाती है, एस्क्लोरीन ग्लैंड कहलाती है। थैंक यू एवरीवन, आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।